देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ओ माय गॉड, मिसेज ईशानी धूपर को तो देख लो, हाय कितनी सोनी लग रही है, साडे मुंबई की हीरोइन लग रही है। ओए, ये कुड़ी कौन है? पहले तो कभी देखा नहीं धूपर हाउस में। मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। But she's gorgeous. ईशानी ने अपनी काबिलियत और दिमाग से मेरे इस डिजाइन को और भी सुंदर बना दिया। किरण, ये खूबसूरत कुड़ी कौन है? तेरी रिश्तेदार है क्या? मिसेस चोपड़ा जी, सिर्फ ये आप नहीं, सभी की जबान पर यही सवाल है कि सोनी कुड़ी है कौन। मैं अभी सबको बताती हूँ। अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग टू यू मिसेस ईशानी शिव धूपर। अरे शिव पुत्र, इतनी खूबसूरत बेबी को कहाँ छुपा के रखा था? हाँ हाँ शिव, तुमने तो सरप्राइज ही कर दिया बिल्कुल हम सबको। अरे गाइस गाइस गाइस, एक सेकंड, ये हो क्या रहा है? आई मीन लाइक रोका सेरेमनी मेरी और पीला की है ना? है ना? हाँ। और सारी की सारी लाइमलाइट ईशानी भाभी को मिल रही है। नहीं नहीं, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि यार थोड़ा अटेंशन मुझे भी दिया करो यार। बिल्कुल जी। अरे यार, आज के स्टार तुम दोनों ही हो। ओह प्लीज मीट द ग्रूम, माय डियर डार्लिंग सन पॉपी। टीना कहाँ है भाई? हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। Here comes Tina. Well, Tina. Just want to tell you something. I mean, एक compliment देने का मन कर रहा है. You really look gorgeous. Thank you. अरे बैठ बैठ बैठ। अच्छा हुआ तू आ गई, इसे देख के मन हल्का हो गया। ईशु, कितनी सुंदर लग रही है तू, ऐसे ड्रेस में पहली बार देख रही हूँ तुझे, बिल्कुल अमीरों जैसे ही लग रही है। सच कहूँ तो मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। ताई, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। इन अमीरों वाले कपड़ों में दिख तो इनके जैसी रही हूँ, लेकिन मन से मैं अभी भी मराठी मुल्की हूँ। बेटर, ये ले, तू ये ट्राई कर। ये क्या है इशू, मैं ये सब नहीं पीती। ट्राई तो कर, तेरा मूड सही हो जाएगा। थैंक यू। बताना किसने भेजा है? बताना। यश ने। ताई, ये तो वही बुके है ना जो यश ने तेरे लिए भेजा था? तू ये उसे वापस कर रही है? ईशु छोड़ ना ये सब, तू इन सब बातों में अपना दिमाग मत लगा, आज तो बस एंजॉय कर। ताई, मुझे पता है तेरे और यश के बीच, यश ना बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। मुझे लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए, मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने यश से बात करूंगी,
वो मेरी बात जरूर समझेगा। तुझे मेरे लिए किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात समझ गई हूं मैं, हमने और थूपर फैमिली में जमीन आसमान का फर्क है। हम नहीं है इन अमीरों जैसे, हम हमेशा इनके इनके एम्प्लॉय होंगे और ये हमारे बॉस। और ये बात ना ये लोग हमें कभी भूलने नहीं देंगे। ताई ऐसा क्यों बोल रही है? किसी को घर छोड़ रहा है? नहीं यार, फ्रेंड नहीं, होटल की कोई तो एम्प्लॉई है। इशू, कई बार ना किसी की छोटी सी बात भी हमें मेरे दिल पे लग जाती है, लेकिन सामने वाले को इसका एहसास भी नहीं होता। इशू, तू जहां है ना वहां सही है, मैं यहां नहीं रुक सकती। ताई, तू रुक। यश, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं जानती हूं तुम भी मुझे गलत समझते हो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारी फैमिली के साथ किया बहुत गलत किया। लेकिन यश, तुम सबकी नजरों में मैं गलत हो सकती हूँ, मैं बुरी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी ताई बुरी नहीं है। बहुत ही अच्छी लड़की है वो, उसने कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। यश, मैं जानती हूँ तुम दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन प्लीज मेरे और शिव की वजह से तुम दोनों अपने रिश्ते को ऐसे बर्बाद मत करो। बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या किरण, तूने शिव पुत्र की शादी करवा दी और हमें बताया तक नहीं? वैसे तेरी बहू है बहुत सुंदर, कहाँ से ढूंढा ये हीरा? और बिजनेसमैन की बेटी है या कहीं राजा रजवाड़े खानदान से है? और हाँ, पंजाबी तो है ना? बरखा, एक बार टीना का रोका हो जाने दे, फिर सब बताऊंगी। ओ मैं क्या ननन जी, तुसी बता क्यों नहीं रहे इन लोगों को उस किराए की दुल्हन, मेरा मतलब ईशानी के बारे में? जी कोई नहीं, मैं बताती हूँ जी आप लोगों को। जी साड़ी ईशानी तो ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है ते ना किसी बड़े खानदान से है। मैं क्या, वो तो एक ढाबा चलाने वाले की बेटी है ते सारा दिन सड़कों पे कैब चलाती रहती है ते घरों की सफाइयां करती फिरती है। और मैंने पक्का पता है और आपके कार पे भी ना उसने जरूर सफाई की होगी। हाँ जी किरण, ऐसी क्या मजबूरी थी जो ऐसी लड़की के साथ शादी करवा दी? मुझे मजबूरी की स्टोरियां भी मैं सुनाती हूँ जी आप लोगों को। मुझे उनकी मर्जी से थोड़ी ना शादी हुई है जी। वो इस बेचारी को तो इस कार में कोई पूछता ही नहीं है जी। मुझे आप तो हमारे शिव का नेचर जानते हो ना, उसे ते चैरिटी ते दान पुण्य करने का बड़ा शौक है। इस बारी उसने एक कदम आगे बढ़ के एक गरीब ते लाचार लड़की से ब्याह कर लिया ते उसे कार में ले आया। वैसे एक गल कहो, मैं बिना अपने शिव पांचे पे बहुत प्राउड है जी, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी मीना भाभी, एक मिनट इधर आइए। कहाँ ले जा रही हो मैनू? मीना भाभी, बाहर वालों के सामने घर की बातें क्यों कर रहे हो? क्यों उससे तो छाल रहे हो हम लोगों की? हाँ मम्मी, और बाहर वालों के सामने मजाक करना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, कभी कभार चुप रहना भी सही होता है। चुप कर दो। मैं क्या ननन जी, मैं घर की इज्जत उछाल रही हूँ? जी जरा ठीक ठीक हिसाब लगाओ मेरी प्यारी ननन जी। ओ साडे घर विच उस गंध को व्याह के ना तुहाडा शिव पुत्र लाया सी, तब ते सबके मुंह पे सिलाईयां लग गई सी, और अब जब मैं सच कह रही हूं तो सबको मिर्चियां लग रही हैं। ओ जी सही गलत का ज्ञान ननन जी तुसी अपने शिव पुत्र को दो, उसे इस ज्ञान की बहुत जरूरत है। मीना को नहीं। ओ जी मीना इस घर की बदनामी के काम नहीं कर रही है, तुहाडा शिव पुत्र कर रहा है। बस मैं चुप हो जाऊं? हुआ
आई एम सॉरी, आपको पता है ना मम्मी ऐसे बिहेव कर देती है कभी कभार, आप उनकी बातों को भूल जाओ आप प्लीज। आओ ना, हमें वैसे भी सामान उधर रखना। ओए आजा मेरे दिल शहर उतर, बोल क्या पिएगा? नहीं अभी कुछ नहीं, तेरे से नहीं जरूरी काम था मेरे को, और वो काम सिर्फ तू कर सकता है। पार्टी के बीच में कौन सा काम मामा जी? तेन याद है ना तेरे से कुछ जरूरी पेपर साइन करवाने थे मैंने, और ये वही पेपर है बस। लेकिन इतना क्या अर्जेंट है कि आपको अभी के अभी सिग्नेचर चाहिए? यार थोड़ा अर्जेंट है यार, तू ना बस देख ले और जल्दी जल्दी साइन कर दे। ठीक है आप पेपर यहाँ छोड़ दीजिए, जैसे ही फंक्शन खत्म होता है मैं आपको साइन करके देता हूँ। ओके? ओ नहीं नहीं यार, वो थोड़ा अर्जेंट है यार, क्लाइंट को ना अभी का अभी मेल करना है, अर्जेंट ना होता तो तेरे को बोलता भी ना मैं। वो कर देना प्लीज। Seriously, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिव, हमारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। मामा जी, ये आप पकड़िए, माँ ने बुलाया। कभी नहीं सुधरोगे ना मामा जी, लेकिन एक बात फिर से सुन लो, मेरे रहते हुए आप इन पेपर्स पे शिव की साइन नहीं ले पाओगे। तेनू पता है ना तू कौन सी आग से खेल रही है जी, इतना सा भी हाथ लगाया ना तो जल के खाक हो जाएगी, और तेरी वजह से पेन ड्राइव तो बर्बाद हो ही गई थी, लेकिन इन पेपरों पर तो साइन करवा के ही मानूंगा मैं। आप लोग आइए, रोके की रस्म शुरू कीजिए। Congratulations, आंटी। Congratulations, बेटा। तुम दोनों रेडी हो जाओ, तुम्हारी भी हल्दी और मेहंदी होने वाली है। शिव, रोहिणी आंटी बार बार हमारी शादी की बात कर रही है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने बाबा से बात कर ली है। बाबा? यहाँ क्या कर रहे हो आप? पूजा को लेने आए हो? तू चल मेरे साथ, बताता हूं। चल। बहुत बहुत बधाई हो किरण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी नमस्ते जी, मैं जगदीश कुलकर्णी, ईशानी का बाबा। मेरा अंदाजा है आप ही टीना के होने वाले सास ससुर। जी बिल्कुल, तनेजा माय मिसेस। जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा पाए। शिव पुत्र, हैप्पी मैरिड लाइफ का एक और मंत्र सुन ले आज, सास और ससुर को खुश रखेगा ना तो जिंदगी ना आराम से कटेगी। तनेजा भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शिव भाई साहब के पांव छुआ। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम दोनों का साथ अगले 7 जन्मों तक बना रहे। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। जगदीश जी आपके आने से तो माहौल बन गया,
इसी मौके पर क्यों ना हम ईशानी और शिव की शादी की तैयारियां की बात कर दे हैं जी। इन दोनों ने शादी इतनी जल्दबाजी में कर ली थी कि हमने डिसाइड किया कि क्यों ना टीना बॉबी के साथ इन दोनों की भी शादी करा दे। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी आपने, पूरे रीति रिवाज के साथ शादी, इससे अच्छा तो कुछ और हो नहीं सकता। एक बाप का सपना होता है अपनी बेटी की शादी की पूरी रस्म अपने हाथों से पूरी करना। बहुत बहुत धन्यवाद तनेजा भाई साहब, आपके कारण मेरा यह सपना पूरा होगा। जगदीश जी, तो ठीक है, टीना और बॉबी के साथ साथ ईशानी और शिव की भी शादी होगी। अरे ढोल की आवाज से तो महल जाग उठेगा। भंगड़ा ही पाते रहोगे, अपने पांचे से इस पे साइन भी करवाओगे इन पेपरों पे। मेरी नजर बाज की तरह उसके ऊपर ही है, अभी करा लेने हैं मैंने। देख शिकार सामने ही है, जाके आता हूँ मैं। सही मौका, जाओ तुसी। शुभतर, ये कौन से सांपों में फंसता जा रहा है यार तू? और मेरे से ना तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। थक गया हूँ इस ड्रामे से मामा जी। मन तो करता है कि लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ। यार तू लोड ना ले यार, तू दिल से हेर पुत्र अपना, तू वही कर जो तेरा दिल कहता है। तू काम बढ़िया करता है, काम में ध्यान लगाया कर। ये पेपरों में साइन बाकी है यार। ये शादी भी आगे से आप में सारे पड़े रहेंगे तो काम कौन करेगा? तू देख ले जरा, साइन कर दे। मामा जी, मैं एक मिनट में आया। और पुत्र साइन कर दो। एक मिनट में बस। यार एक साइन निकली है ना, इतने स्यापे हैं ना यहाँ पे। हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। I'm not afraid of the dark.